इस वीडियो में हम रेक्ट में बूटस्ट्रैप का उपयोग करके नेवबार बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर app.js में जाएंगे और जो हमारा हेडर यहाँ पर है उसको हम हाइड कर देंगे, तो हमारा हेडर यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद नेवबार.js में जाएंगे, नेवबार.js में हम यहाँ एक फंक्शन लिखेंगे rfc, तो एक फंक्शन बन जाएगा यहाँ पर। अब इसमें फंक्शन में हम बूटस्ट्रैप में जाएंगे और लिखेंगे बूटस्ट्रैप रेक्ट, तो यहाँ GitHub पेज जो आएगा और इसमें नेवबार आएगा। हम जब क्लिक करेंगे तो सीधा ये कंपोनेंट के अंदर जो नेवबार है ये आ जाएगा। और यहाँ रेक्ट बूटस्ट्रैप है, इसको कॉपी नहीं करेंगे हम, अभी हम स्क्रॉल करके देखेंगे बहुत सारे इसमें अंदर ऊपर नीचे हैं, यहाँ पर फार्म भी है, तो हमें कौन सा चाहिए नेवबार उस पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर वाला लेंगे ये रेक्ट बूटस्ट्रैप, क्योंकि इसके अंदर ड्राप डाउन भी है, पूरा नेवबार है बना, इसको कॉपी कर लेंगे हम। यहाँ पर पेस्ट करने के पहले हम जो नोड मॉड्यूल हमारा जो फोल्डर है मेन ऊपर सबसे ऊपर, उसके अंदर से इसमें इंपोर्ट कर लेंगे हम, css को कर लेंगे और js को भी कर लेंगे, दोनों फोल्डर इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम जो हम कॉपी करके लाए थे। उसके बाद index.js में जाएंगे और ये नेवबार के अंदर जो हमने बना दिया है इसको हम यहाँ इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट लिखेंगे नेवबार, तो नेवबार इम्पोर्ट हो जाएगा, सेव कर देंगे। जब कंपाइल होगा तो हमारे यहाँ पर नेवबार बन गया, यहाँ पर आ गया। और ड्रॉप डाउन पे भी क्लिक करेंगे तो हमारा जो css लगी थी, js लगी थी हमने